हमिंगबर्ड ट्रोचिलिडे परिवार के छोटे अक्सर चमकीले रंग के पक्षियों की लगभग 320 प्रजातियों में से कोई भी आमतौर पर एपोडिफॉर्मिस के क्रम में स्विफ्ट के साथ रखा जाता है, लेकिन कभी कभी अपने स्वयं के क्रम में अलग हो जाता है। ट्रोचिलिफॉर्म्स कई प्रजातियों के शानदार चमकीले रंग और विस्तृत रूप से विशिष्ट पंख आमतौर पर केवल पुरुषों के ने 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश प्रकृतिवादी जॉन गोल्ड को कई चिड़ियों को विदेशी आम नाम देने के लिए प्रेरित किया, जिनमें से कई अभी भी उपयोग में हैं, जैसे कोक्वेट, परी, हिल स्टार, वुड स्टार, नीलम, पोखराज, सूर्य रत्न और सिल्क। हमिंगबर्ड अपनी लंबी चोंच और तेजी से चलने वाले पंखों के साथ आकर्षक छोटे पक्षी हैं। उन्हें US भर में अमृत भक्षण और फूलों के इर्द गिर्द घूमते देखा जा सकता है। आप इन छोटे पंख वाले दोस्तों के बारे में कितना जानते हैं? ये तथ्य आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं और आप अपने पिछवाड़े के आगंतुकों के बारे में एक या दो चीजें भी सीख सकते हैं। वे सबसे छोटे प्रवासी पक्षी हैं। वे अन्य प्रजातियों की तरह झुंडों में प्रवास नहीं करते हैं और वे आम तौर पर एक बार में 500 मील तक अकेले यात्रा करते हैं। नाम हमिंगबर्ड गुनगुनाते शोर से आता है जो उनके पंख इतनी तेजी से हराते हैं। हमिंगबर्ड एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जो पीछे की ओर उड़ सकते हैं। हमिंगबर्ड्स को गंध की कोई समझ नहीं होती है, जबकि वे फीडरों को सूंघ नहीं सकते हैं। उनके पास अच्छी रंग दृष्टि है। रूबी ट्रोटेड हमिंगबर्ड जैसे कुछ पक्षी नारंगी या लाल फूल पसंद करते हैं। इसके बावजूद अमृत में लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पक्षियों को नुकसान हो सकता है। इसके बजाय प्राकृतिक रूप से लाल या नारंगी फूल लगाएं या उन फीडरों का उपयोग करें जिनकी संरचना में लाल रंग है। हमिंगबर्ड का औसत वजन निकल से भी कम होता है। उनके छोटे पैरों का उपयोग केवल बैठने और बगल में चलने के लिए किया जाता है। वे चल या कूद नहीं सकते। हमिंगबर्ड अपनी जीभ को प्रति सेकंड लगभग 13 बार अंदर और बाहर घुमाकर फीडरों में पाए जाने वाले अमृत को पीते हैं। वे एक दिन में अपने शरीर के वजन को दोगुना करने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। चौड़ी पूंछ वाला हमिंगबर्ड हमिंगबर्ड नई दुनिया में वितरण में प्रतिबंधित हैं, जहां दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी विविधता और प्रजातियों की संख्या होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लगभग 12 प्रजातियां नियमित रूप से पाई जाती हैं। पूर्वी उत्तरी अमेरिका में केवल रूबी थ्रोटेड हमिंगबर्ड आर्चिलोचिस कोलुब्रिस प्रजनन करता है, जहां यह नोवा स्कोटिया से फ्लोरिडा तक पाया जाता है। सबसे उत्तरी हमिंगबर्ड रूफस सेल्सफोरस रूफस है, जो दक्षिण पूर्वी अलास्का से उत्तरी कैलिफोर्निया तक प्रजनन करता है। चौड़ी पूंछ वाला हमिंगबर्ड एस प्लैटिसेकस पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य अमेरिका में और एलक की हमिंगबर्ड कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्रों में प्रजनन करता है। सभी हमिंगबर्ड छोटे होते हैं और कई मिनट होते हैं। यहाँ तक सबसे बड़ा पश्चिमी दक्षिण अमेरिका का विशाल हमिंगबर्ड पैटागोना गिग्स केवल लगभग 20 सेमी 8 इंच लंबा है, जिसका वजन लगभग 20 ग्राम 0.7 औंस है, जो कि अधिकांश गौरैयों से कम है। सबसे छोटी प्रजाति क्यूबा की मधुमक्खी चिड़ियों मेलिसुगा कभी कभी कैलिप्टे हेलेना और आइल ऑफ पाइन्स
5.5 सेमी से थोड़ा अधिक मापती हैं, जिनमें से बिल और पूंछ लगभग आधा है, लगभग 2 ग्राम वजनी। यह प्रजाति सबसे छोटी जीवित पक्षी है और पिग्मी के साथ सबसे छोटे गर्म रक्त वाले कशेरुकियों के रूप में रैंक करती है।